हेलो दोस्तों, नमस्कार। विवेक रियन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज का रेसिपी में हम बनाएंगे रसगुल्ला। तो रसगुल्ला बनाएंगे इसलिए कि आज का मौसम थोड़ा खराब है, तो सोचे क्या आज गर्मा गर्म थोड़ा रसगुल्ले बना लेते हैं। सब बच्चा सब भी आज घरे में है, कोई स्कूल नहीं गया है, तो बना लेते हैं रसगुल्ले। तो आप लोग मेरे वीडियो पर बने रहिएगा। जो लोग मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नए वीडियो मैं अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक बहुत जल्द पहुंच जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, रसगुल्ला बनाने के लिए हम 2 किलो दूध ले लिए हैं। 2 लीटर दूध है ये। अब इसको पहले हम उबालेंगे। तो उसके लिए पहले हम कढ़ाई ले आते हैं। तो कढ़ाई में पहले हम लेप लगा लेते हैं ताकि कढ़ाई मेरा काला ना हो जाए। तो दोस्तों, हम कढ़ाई चढ़ा देते हैं। चूल्हा मेरा जला हुआ है, तो कढ़ाई में हम थोड़ा सा पानी दे देते हैं ताकि दूध नीचे कढ़ाई में चिपकेगा नहीं। तो दूध इसमें हम डाल देते हैं। तो दूध हम कढ़ाई में डाल दिए हैं। थोड़ा देर तक ले हम कढ़ाई को उबालेंगे, कढ़ाई में दूध उबालेंगे। और दूध मेरा ताजा है, गाय का दूध है। तो उबलते तक हम चलाते रहेंगे इसको। तो दोस्तों, जब तक ले दूध मेरा उबलेगा, इसी बीच में हम नींबू का रस निकाल लेते हैं। देखिए, 2 किलो दूध में 2 ठो नींबू लिए हैं, इसी का रस हम निकालेंगे। तो हम नींबू से ही दूध फाड़ेंगे। आप लोग हो सके तो नींबू से फाड़े, नहीं तो विनेगर से भी फाड़ता है दूध, वो भी ला सकते हैं। नहीं तो पनीर वाला पानी मिलता है हलवाई दुकान में, किराना दुकान में मिलता है, तो वो भी ला सकते हैं। तो अभी हम नींबू से ही फाड़ रहे हैं। तो इसका हम पहले छील लेते हैं, थोड़ा हार्ड है तो इसको छील लेंगे, उसके बाद इसको हम रस निकालेंगे। तो दोस्तों, हम नींबू का छिलका उतार लिए हैं। हार्ड नींबू था, इसी तरह रस नहीं निकलता, इसीलिए छील दिए। अब इसको हम कट कर देते हैं बीच बीच में, ये देखिए। और इसी से दाब करके हम निकालेंगे। देखिए, नींबू गारने वाला है ये, ये देखिए। कहाँ ज्यादा निकल रहा है, निकलेगा, नहीं तो सिल्वर टॉप पर चेंज करके निकाल लेंगे। कच्चा है, हाँ कच्चा है, नहीं निकला। सिल्वर टॉप पर चूर करके निकाल लेंगे, इससे इससे काम नहीं हुआ। तो दोस्तों, मेरा दूध गर्म हो गया है, देखिए उबाल आने वाला है। अब इसको हम उतार लेते हैं, कढ़ाई को पहले नीचे उतार लेते हैं। अब देखिए, नींबू का रस जो है इसमें थोड़ा पानी मिला दिए हैं। अब करछी चलाते हुए नींबू दूध में हम नींबू डालते हैं। दूध अपने आप फट जाएगा, ऐसे चलाते रहेंगे। दूध अपने आप फटेगा। अब धीरे धीरे नींबू का पानी हम दे दिए। अब करछी को चलाते रहेंगे, अपने दूध फटेगा। तो दोस्तों, देखिए दूध नहीं फटा, कच्चा नींबू था क्या पता नहीं। तो फिर हम थोड़ा सा कढ़ाई चढ़ा देते हैं चूल्हे पर। दूध तो फटना ही है, फट जाएगा। तो चूल्हे पर फिर से हम चढ़ा रहे हैं। थोड़ा सा आंच लगेगा तो फट जाएगा दूध।
तो दोस्तों देखिए दूध फट गया है, सब छाना छेना देखिए निकल गया है, ये देखिए। तो इसी तरह दूध हम फाड़ लिए, अब दूध को हम छान लेते हैं। ये देखिए एक ठो सूती कपड़ा ले लीजिएगा, एकदम साफ साफ होना चाहिए कपड़ा। और इसमें हम ये देखिए एक बर्तन के ऊपर रख दिए और इसमें हम दूध सब निकाल देते हैं। हाँ ये देखिए ये देखिए इसी तरह हम निकाल लेंगे कपड़ा को, ऊपर उठा दीजिए। कुछ देर तक ला इसको हम ठंडा होने देंगे, उसके बाद छेना को फिर दूसरा प्रोसेस लाएंगे। तो 2 मिनट में ही गर्म है, अभी ठंडा हो जाएगा। तो दोस्तों ये पानी जो बचा है, तो ये जो पानी है तो काम में ला सकते हैं, जैसे आटा गूंथने में काम आएगा, नहीं तो सब्जी में ला सकते हैं। और कुछ में कुछ काम नहीं ला सकते हैं तो फेंक दीजिए। तो अभी हम साइड करके रख देते हैं, शाम में काम ले आएंगे, आटा गूंथेंगे, इससे फायदा वाला है पानी। तो चलिए इसको हम रख लेते हैं एक कटोरी में, और इसको हम पानी रख देते हैं साइड में। चलिए मेरा छेना जब तक ले ठंडा होगा, इसी बीच में हम चाशनी बनाने के लिए हम कढ़ाई चढ़ा देते हैं। तो कढ़ाई हम अच्छी तरह से फिर धो लेते हैं। चारों ओर दूध लग गया है, इसको धो लेते हैं अच्छा से। तो दोस्तों ये 1/2 kg चीनी है, तो चीनी को हम कढ़ाई में डाल देते हैं। अब इसी में हम पानी दे देते हैं, जितना चीनी है उतने पानी डालते हैं हम। जब तक लेना चीनी मेरा गलेगा तब तक हम इसको चलाते रहेंगे, इसको धो लेते हैं। तो दोस्तों छेना मेरा ठंडा हो गया है, अब इसमें जो खटाई है नींबू वाला थोड़ा पानी दे देते हैं और धो लेते हैं इसको, ये खटाई निकल जाएगा। नींबू वाला सब खटाई निकल जाएगा, फिर से हम इसको हम निचोड़ लेते हैं कपड़ा को उठाते हुए। ये देखिए ऐसे करके दाब दीजिएगा, निकल जाएगा सब पानी। तो दोस्तों देखिए चाशनी मेरा रेडी हो रहा है, ये देखिए। अब इसमें जो है थोड़ा सा जो गंदा गंदा दिख रहा है चीनी वाला, तो इसमें हम थोड़ा सा दूध दे देते हैं। तो दूध फट करके वो जो है मतलब कचरा फचरा निकल जाएगा, चीनी में रहता है हल्का फल्का, दूध डाल दें और अब निकल जाएगा। नहीं तो इसमें थोड़ा सा हलवाई लोग देता है आंवला का पानी, तो वो हम नहीं दिए, हम खाली दे दिए थोड़ा सा दूध।
अभी जैसे उबलेगा और फैन काट जाएगा तो उसी से निकल जाएगा, तो चाशनी मेरा साफ हो जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं, बारिश हो रही है, कैमरामैन जो है देख रहे हैं कितना दिक्कत से छाता ओढ़ ओढ़ करके मतलब रिकॉर्डिंग कर रहा है, वीडियो बना रहा है। देखिए बारिश हो रही है उधर, देख रहे हैं, तो इतना दिक्कत से हम वीडियो बना रहे हैं दोस्तों। तो थोड़ा आप लोग सपोर्ट कीजिए, जब वीडियो देख देख करके मतलब थोड़ा मतलब लाइक शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब दीजिएगा, इतना दिक्कत से वीडियो बना रहे हैं। वही देखिए दोस्तों, चीनी मेरा उबल गया, चाशनी अब इसको हम निकाल देते हैं, ऐसे सब गंदगी निकल गया। ये देखिए अब चाशनी मेरा साफ हो गया, ये देखिए निकाल दिए सब, एकदम चाशनी साफ हो गया। तो ये कंप्लीट है दोस्तों, अब चले आते हैं छेना के ओर। तो छेना निकाल लेते हैं, ये देखिए कपड़ा को साइड कर देते हैं। अब इसको मसलना पड़ेगा, ये देखिए ये जो हथेली है इसी से मसलेंगे, तो जितना मसल लिएगा उतना ही परफेक्ट बनेगा रसगुल्ला। तो देखिए इसको ऐसे ऐसे मसलना है, जितना मसलेंगे तब रसगुल्ला का गोली बनेगा। कम से कम 10 से 15 मिनट इसको मसलेंगे। तो दोस्तों देखिए चाशनी में थोड़ा सा हम इलायची पाउडर दे रहे हैं फ्लेवर के लिए, चाशनी उधर रेडी हो गया है। इसको हम अभी मसलिए रहे हैं, 10 मिनट हो गया है और 5 मिनट मसलेंगे। तो दोस्तों ये वाला जो है देखिए छेना जो है, तो हम इसमें कुछ नहीं मिला रहे हैं। तो ये जो है हलवाई लोग जो है तो आरा रोड मिलाता है, सूजी मिलाता है और मैदा भी मिलाता है, तो हम इसमें कुछ नहीं मिला रहे हैं, सिर्फ छेना का ही रसगुल्ला है। तो हम दुकान में तो नहीं बना करके सेल कर सकते हैं, सिर्फ बच्चों सबके लिए बना रहे हैं इसमें, इसीलिए इसमें कुछ नहीं दिए हम। बेकिंग पाउडर भी देता है, तो इसमें हम कुछ नहीं दे रहे हैं, सिर्फ खाली छेना का ही बना रहे हैं। तो देखिए कैसा ही रसगुल्ला बनेगा। तो दोस्तों सिर्फ ये थोड़ा सा इसमें चिकना के लिए हम घी डाल रहे हैं, घर का बना हुआ देसी घी है, देखिए चिकना होगा इससे। इसको फिर मिला लेते हैं, थोड़ा चिकना होगा गोली बनाने के लिए। तो दोस्तों देखिए हम छेना को अच्छा से मसल लिए हैं, पूरा मिला लिए हैं, ये देखिए एकदम रेडी हो गया है। अब इसको हम थोड़ा थोड़ा हम गोली काट करके बॉल बना लेते हैं, ये देखिए इस तरह का बनाना है, जो कि मतलब इसमें स्क्रेच ना हो। ये देखिए एकदम गोल बनाना है, धीरे 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 गोल करते जाइए। हलवाई लोग तो बहुत जल्दी जल्दी बना लेता है, हम लोग तो उसे जल्दी उतना नहीं बना पाते हैं दोस्तों। ये देखिए इसी तरह का गोल गोल बनाना है, देखिए स्क्रेच कहीं नहीं है, एकदम बन गया। तो इसी तरह हम सारा बॉल बना लेंगे। तो दोस्तों सारा बॉल हम बना लिए हैं छेने को, ये देखिए कितना गोल गोल बनाए हैं एकदम, ये देखिए इसी तरह बनाना है। अब हम डालते हैं चाशनी में, तो धीरे धीरे डालना है, ये देखिए एक एक करके बॉल छोड़ते जा रहे हैं। अभी 5 मिनट तक ले इसको कुछ नहीं करने करेंगे, कुछ नहीं, न हिलाएंगे न चलाएंगे, नहीं तो टूट सकता है रसगुल्ला। हाँ खाली दे करके छोड़ देंगे, उसके बाद 5 मिनट के बाद हम इसको कुछ करेंगे। खाएंगे कब? जब ठंडा हो जाएगा तब। अभी ना मिलेगा? नहीं मिलेगा, बेकार इतना मेहनत कर। हम सोचे अभी मिल जाएगा खाने के लिए। हाँ बनेगा,
परफेक्ट तरह से बनेगा तब ना, अभी खाली उबलेगा ही। देखिए चाशनी में वो तैरने लगा, जब ये तैरते तैरते जाएगी, देखिए अभी ये ऊपर में है, तो जब ये मतलब अच्छी तरह से जब ये पक जाएगा तब ये चाशनी में अपने आप डूबने लगेगा। तब समझ लीजिएगा इसका पाक अच्छा है, इसका एकदम परफेक्ट मतलब पक गया है रसगुल्ला। तो अभी देखिए ऊपर में ही तैर रहा है, अभी कच्चा है, जब ये चाशनी में डूब जाएगा तो समझ लीजिए पक गया। तो अभी इसको हम 5 मिनट के लिए कुछ नहीं करेंगे, टच भी नहीं करेंगे, तो इसको हम भी कवर कर देते हैं। पूरा करना है कि कम? हाँ, इसी तरह मतलब खोल रहा है ना, बस यही इतने लगेगा, तो ज्यादा नहीं कवर किए हैं, हल्का मतलब भाप निकल रहा है, इसी तरह से कवर करना है। तो देखिए आधा हम ढके हैं, आधा भाप निकल रहा है, तो बस उबलने दीजिए अभी 5 मिनट तक। तो दोस्तों देखिए कितना अच्छा एकदम रसगुल्ला मेरा बन रहा है, 5 मिनट हो चुका है तब इसको हम टच कर रहे हैं, 5 मिनट से पहले टच नहीं करना है। दिखाइएगा कितना बड़ा हुआ, ये देखिए, वाह, तो फूल के बड़ा हो गया। हाँ, बड़ा तो हो गया। अब देखिए और इसको 10 मिनट पकाना है, अभी हुआ नहीं है, अभी 5 मिनट हुआ है, तो अभी हम देख रहे हैं इसको ऐसे ऐसे थोड़ा सा चलाएंगे और पानी दे देंगे, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का पानी ऐसे ऐसे करते हुए दे देंगे। तो दोस्तों देखिए ऐसे करछी में पानी ले लीजिएगा और हल्का ऐसे ऐसे चलाते हुए इसमें पानी दे दीजिएगा। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, उससे क्या होता है, इससे होता है कि मतलब चाशनी जो है ना वो मतलब उबलते उबलते गाढ़ा हो जाता है, तो गाढ़ा होने के बाद थोड़ा चाशनी पतला करना चाहिए ना, तो मतलब छोड़ देंगे तो पूरा सट जाएगा जम करके, तो इसीलिए थोड़ा सा पानी देते जाइएगा, कम से कम बीच में 3 बार दीजिएगा, थोड़ा थोड़ा सा ऐसे ऐसे। देखिए झांक से मतलब जो उबल रहा है, देखिए झांक दिखा रहा है ना, तो इसमें तो हम अमला उमला कुछ नहीं दिए हैं, सिर्फ खाली चाशनी है, तो इस फिर भी झांक दे रहा है, देखिए वो जो है ना वो झांक है, जो जैसे मतलब फैन जैसा दिख रहा है ना वो झांक बोलते हैं। तो इसको हम पानी ऐसे 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 मतलब करछी से चलाते हुए हम डाल देंगे, बस देखिए झांक खत्म हो गया, और ऐसे ऐसे चला दीजिएगा और छोड़ दीजिएगा, फिर इसको हम अभी पकाएंगे, अभी पका नहीं है, अभी ऊपरे में है सब रसगुल्ला, जब डूब जाएगा तब समझ लीजिए ये हो गया ही, अभी छोड़ देते हैं फिर। तो दोस्तों देखिए मेरा रसगुल्ला हो गया तैयार, देख रहे हैं, ये देखिए, ये देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है। तो दोस्तों आप लोग भी इसी तरह घर पर छेने का रसगुल्ला बनाइए, उसमें कुछ नहीं मिलाए हैं हम, कुछ नहीं मिलाए हैं, ना बेकिंग पाउडर मिलाए हैं, ना अरारोट मिलाए हैं, ना सूजी मिलाए हैं, सिर्फ छेना का ही रसगुल्ला है। तो इसी तरह आप लोग भी बनाइए, अभी होली आइए रहा है, होली नजदीक आ गया है, तो होली का शुभ अवसर पर रसगुल्ला बनाइए, मलसाही बनाइए, पुआ बनाइए और खाइएगा। तो चलिए अब ये हो गया रेडी, अब इसको उतार देते हैं, कुछ देर ठंडा होगा। ये देखिए कितना छोटा छोटा हम बॉल बनाए थे और बड़ा हो गया है, ये देखिए, ये जो छोटा ये दिखा रहा है ना वो बोला है इलायची वाला पाउडर है, कितना बढ़िया दिख रहा है रसगुल्ला, एकदम परफेक्ट तरह के रसगुल्ला। तो दोस्तों इसको हम थोड़ा 10 मिनट के लिए ठंडा होने देते हैं। तो दोस्तों देखिए रसगुल्ला मेरा ठंडा हो गया है, तो रसगुल्ला तो हम बना लिए हैं दोस्तों, तो देखिए आप लोग भी इसी तरह रसगुल्ला बनाइए, देखिए कितना परफेक्ट रसगुल्ला बना है, ये देखिए। देखिए कितना अच्छा बना है रसगुल्ला, ये देखिए अपना हाथों से बनाए हैं घर पर रसगुल्ला, आप लोग भी बना करके खाइएगा, देखिए कितना स्पॉन्जिंग है, ये देखिए ऐसी, ये देखिए एकदम रस एकदम ओरिजिनल छेना का है, देखिए कितना एकदम स्पॉन्जिंग कर रहा है, देखिए एकदम भरा हुआ रस है। तो दोस्तों आप लोग भी एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा घर पर दूध फाड़ करके छेना बना करके,
और रसगुल्ला बनाइएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अब मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।